स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राजा राम भाई साहब आ जाओ, कह खड़े तो यहाँ सब उपस्थित हैं और आपने सबने परिस्थितियाँ देखी होंगी कि आप इनमें से कम से कम 10-20 जने तो होंगे जब पिछोर में हम 2018 को चुनाव लड़े और कालिंदरी पे महाराज साहब की सभा भई थी, जब हमने सिंधिया जी के सामने कही थी कि महाराज साहब अगर हमारी बारकरी जिगनिया नहर नहीं बनेगी तो अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है पूरे क्षेत्र पिछोर क्षेत्र में पानी, किसानों को पानी नहीं मिलता, आधा क्षेत्र हमारा अच्छी फसल गाता है, धाने करते गेहूँ करते और आधी फसल ईश्वर के आधा क्षेत्र ईश्वर के भरोसे रहता है, ईश्वर बरसा देगा तो हो जाएगा, नहीं बरसाएगा तो नहीं हो पाएगी फसल। तो महाराज साहब ने कही थी कि मैं इसको करा दूंगा, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने मुझे दो बार खूब अच्छे वोट देके विधायक बनाया, लेकिन जब आपने काम की कही अब ये रोड RCC हैंडपंप लग जाए जिनसे कोई एक मन नहीं भरता जब तक बड़ा कोई काम नहीं हो, तो खूब वोट दिए, दो बार विधायक बनाया, लेकिन मैं विपक्ष में बैठ के जितना ही काम कर पाई जितना विपक्ष में कर पाती, और तीसरी बार तो इतने वोट दिए आप लोगों ने पूरे क्षेत्र ने कि मध्य प्रदेश में हमारा नाम होगा, 62,000 से जिताया। लेकिन अब सत्ता में आए और सत्ता में आए जैसे हम बारकरी जिगनिया की फाइल लेके पहुंचे मुख्यमंत्री के सामने तो उनने कही खजानों खाली है, पैसा नन्या, वो नहर नहीं बन पाएगी। जब एक दो बार कैबिनेट में देखा कि पैसा नन्या और जब हमारे कमलनाथ जी की फाइलें आती तो छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी बन रही, कॉलेज बन रहे, नहर बन रही, जेलें बन रही, तो एक दिन हमने उनसे कही कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा, जब हमारी विधानसभा को पैसा नहीं जाओ छिंदवाड़ा को जी तो अरबों खरबों रुपये कहाँ से आ रहा। तो बोले क्या मेरी बराबरी करोगे, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो हम भी कैबिनेट मंत्री है। तो ये सही बात है कि महाराज ने हमें कैबिनेट मंत्री बनाया था ज्योतिराज सिंधिया ने, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमें उस विधानसभा में उस कैबिनेट में चपरासी बना के बैठा रहा था, कोई मंत्री के पावर नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहर नहीं। तो जब ज्योतिराज सिंधिया से कहते महाराज क्या करेंगे, 5 साल बाद तो मैं चुनाव लड़ना ही नहीं, जो मैंने वादा किया थे कि डटो। जब महाराज ने भी एक दिन मांग करी कि जो वादे किए अगर वो पूरे नहीं हो पाएंगे तो तुम्हारे साथ मैं भी जनता के साथ सड़क पे उतरूंगा, तो पत्रकारन से पूछी कमलनाथ जी से पत्रकारन ने कहा सिंधिया जी तो सड़क पे उतर रहे, तो कमलनाथ जी ने कही उतरे तो उतर जाए, हमने महाराज से कई मौका है महाराज उतर जाओ, क्या देख रहे हैं इनके मौतन। और ऐसी सरकार में बैठ के जब क्षेत्र की जनता के सत्ता के माहौल से काम नहीं हो पाएंगे तो करेंगे क्या। लेकिन जब महाराज उतरे तो उनकी सरकार गिर गई,